जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान 2023 का ये प्यारा सा ठीक है पेपर है। ठीक है, इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे संतुलित अभिक्रिया को, मतलब जो भी आपका रिएक्शन दिया रहेगा इसे आपको संतुलित करना रहेगा। ये इस साल आपकी बार मतलब 2023 में 6 नंबर का पूछा हुआ था। ठीक है, जो हम जर्नी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, विज्ञान का हर एक साल का पेपर आपको सेट एकदम से बढ़िया से तैयार कर देंगे एग्जाम के जाते जाते हुए। ठीक है, तो इसमें हम आज देखने वाले हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा, प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। मतलब ये सबसे पहले ये वर्ड इक्वेशन दिया गया, मतलब शब्द में अभिक्रिया को लिखा गया है, पहले इसे तुम्हें कंप्लीट करना है केमिकल फार्मूले के फॉर्म में, फिर उसे क्या कर देना है तुम्हें संतुलित करना है एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए ये टोटल देखा 6 दिया गया है और हर एक कितने कितने नंबर का रहता है, 1+1+1+1। ठीक है, ये 3 × 2 = 5 और प्लस में कितना, ये टोटल कितने नंबर का हो जाता है आपका, 6 नंबर का हो जाता है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ही मस्त तरीके से एकदम से बता दिया जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले तुमसे दे रखा किसके बारे में, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड। अब इसे जब रिएक्शन कराया जाता तो बेरियम सल्फेट मिलता प्लस में डैश डैश मिलता, हमें पता नहीं है, यही लिखना है, फिर तुमसे क्या कर देना उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो सबसे पहले बताइए आप सोडियम सल्फेट का फार्मूला, सोडियम सल्फेट को क्या लिखते हैं, Na2SO4 लिखते हैं, सही है कि नहीं। ये तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट हो गया और ये प्लस है तो हमने क्या कर दिया, यहां से प्लस लिख दिया। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब समझते हो कि नहीं, Ba से क्या हो जाता है बेरियम और क्लोराइड से मतलब Cl2 हो लिख जाइए। ठीक है, तो ये BaCl2 हो गया। अब ये एरो दिया तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे एरो लगा देते हैं। हमें क्या मिला है, बेरियम सल्फेट मिला, क्या मिला है बेरियम सल्फेट, मतलब हम तो थोड़ा सा दिखा देते हैं, सबसे पहले बेरियम सल्फेट लिख देते हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा, Ba, ठीक है, BaSO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा। अब यहां से हमसे कह दिया है ठीक डैश 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 में क्या हमें भरना है, तो आप ध्यान से सुनिए, ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, ये वाला जो है ठीक है इसे क्या कर देते हैं, इसे देखो इसे ए मान लेते, इसे बी मान लेते, इसे सी, इसे डी, ए बी हो जाएगा प्लस में सी एन डी। सी वाला क्या कर देता है, ए को हटा के इसकी जगह ले लेता, तो सी किसके साथ हो जाता है, बी के साथ, और ए किसके साथ जुड़ जाता है, डी के साथ, तो दो बार हुआ था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो इसमें क्या कह दिया, जो बेरियम है वो क्या करेगा, सल्फेट के साथ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब ये सोडियम है इसे क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है देखिए, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 हमने यहां ले दिया, यहां पर बचा हमारे क्लोरीन, यहां पर बचा है सोडियम, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, NaCl लिख देंगे, क्या लिख देंगे, NaCl लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया लिखा गई। अब इसे हमें संतुलित करना है, क्योंकि संतुलित नहीं करेंगे तो नंबर आपको मिलने वाला नहीं है, तो याद रखना ठीक, एक एक करना। देखिए यहां पर सोडियम कितना है, 2 सोडियम, कितना सोडियम है 2, और मगर सोडियम यहां पर कितना है, 1 है, तो हम क्या कर देते हैं, यदि 2 से यहां गुणा करा दे तो हमारा सोडियम कंप्लीट हो जाए, सोडियम की टेंशन खत्म। अब आते हैं SO4 पे, देखिए SO4 ये जो अंडरलाइन किए हैं, SO4 आपके पास 1 है, यहां पर भी SO4 एक है, इसे भी टेंशन खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पे, Ba यहां पर कितना है, बेरिलियम कितना है, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, इसकी भी टेंशन खत्म। Cl2 पे आते हैं, Cl2 यहां पर बताओ 2 से गुणा किया गया, तो ये Cl2 2 है, तो ऑलरेडी हम 2 यहां से 2 से गुणा करा दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा, मतलब हमने पूरा भी कर दिया और संतुलित भी कर दिए। ऐसे आपको क्या कर देना है, करना पड़ेगा। ठीक है, याद रहे, पहले ध्यान से सुनिएगा, गुणा भाग तब करिएगा जब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो अच्छा, पहले मन में सोच लेना ये इसके साथ गुणा होगा तब करना, नहीं तो एक बार रासायनिक अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया फंस गई तो कईयों घंटा लगा देंगे तभी आप गुणा भाग करते थक जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का फार्मूला क्या होता है, HG होता, ऑक्साइड मतलब क्या होता, O होता, हमने लिख दिया। इसे हीट किया गया, हीट मतलब क्या कर दिया गया, उसे उष्मा दिया गया, ऐसे भी यदि सिंबल लगा देंगे तभी ये उष्मा का सूत्र है, ठीक, उष्मा का ये सिंबल है। ठीक है, अब हमें क्या मिला, मरकरी मिला, क्या मिल दिया हमारे पास, मरकरी मिल दिया, प्लस में कर दिया और डैश डैश में क्या मिलेगा, यही हमें बताना। तो बताइए मरकरी को यदि गर्म करेंगे
तो ये मरकरी जो यहाँ पर चिपक गई, ऑक्सीजन बचा है कि नहीं, तो ऑक्सीजन आप यहाँ लिख दिया, ऑक्सीजन हमेशा क्या कर देता है O2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। अब इसे हमने रासायनिक अभिक्रिया पूरा कर दिया, फिर इसे हमें बैलेंस करना मतलब संतुलित करना, तो आते हैं एक एक स्टेप पे। यहाँ पर HG कितना है, HG एक है, HG यहाँ पर एक है, तो इसे छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है मगर ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, तो हम क्या कर देते, दो से हमें ऑक्सीजन में गुणा करा देते, तो ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया, मगर जो HG यानी पारा है मरकरी है वो अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। तो यहाँ पर बताओ दो HG हो गया, यहाँ पर एक HG, तो हमें क्या कर देते हैं यहाँ से भी दो से गुणा करा देते हैं, ठीक। तब दोबारा देखो 2HG, यहाँ पर 2HG है और 2O2 है, तो यहाँ पर दो दो काम बन गया, मतलब ये भी रासायनिक अभिक्रिया आराम से संतुलित हो गई, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला तुम लिखना चाहे नहीं लिखना, लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मगर डायरेक्ट तुम ये कर देना एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो जिंक सल्फेट मिलता है प्लस डैश डैश बैक हमें मिलता, हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड करना। तो जिंक का फार्मूला क्या होता भाई, ZN होता, सल्फ्यूरिक का तुम्हारे पास क्या होता है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4, मतलब जिसका तुम्हारे पास हम नॉर्मल भाषा में तेजाब बोलते हैं, यानी ZN, देखो ZN हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा, एरो दिया है तो एरो हम दिखा देते हैं, जिंक सल्फेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है ये जिंक सल्फेट मिल रहा है, जिंक सल्फेट क्या बोलते हैं, ठीक, जिंक सल्फेट मतलब जिंक से ZN हो जाएगा, सल्फेट से क्या हो जाएगा SO4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले ऊपर देख चुके हैं। तो एक्चुअल में अब यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस और डैश 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 कर देते हैं, ठीक है। देखो ये एक्चुअल में ये विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होती है, ठीक, जो स्ट्रांग रहता है वो क्या कर देते हैं, जो छोटा सा नरमी वाला पोर्शन रहता है उसे हम क्या कर देते हैं भगा देते हैं। तो ये ZN क्या होगा, हाइड्रोजन से स्ट्रांग है, तो ZN क्या करेगा, इसे हाइड्रोजन को धक्का मार के इसकी जिंदगी से खत्म कर देगा, हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा और इसकी जगह क्यों ले लेगा, ZN ले लेगा, तो यहां पर ZN SO4 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बचा है तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं H2 लिख देते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसे बैलेंस करना, तो ZN यहां पर एक है, ZN यहां पर एक है, SO4 यहां पर एक है, SO4 यहां पर, H2 मतलब ऑलरेडी ये तुम्हारे पास बैलेंस है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, सॉरी ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक तुम यहां रख दो और ये तुम्हारे पास इसे मान लो सी और डी मान लो, देखो सी एक तुम्हारे प्यारी भरी जिंदगी में, मतलब ये देखो प्यार से इनकी जिंदगी चल रही है, एक किसी तीसरे पार्टी का इंटर कर देना, अब ये स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्ट्रांग होना चाहिए तभी सी को मार के धक्का भागाएगा, तो ये डी क्या होगा, सी वाला पर्सन यहां से भाग जाएगा। देखो एक प्यारी सी जिंदगी चल रही है, मतलब दो लोग थे आराम से चल रही थी, मगर तीसरा कोई पर्सन आया इसमें मार के धक्का अलग कर दिया, ठीक है, तो इनकी जिंदगी क्या हो जाएगी, बर्बादी तो कर पाएगी, तो यानी सी का स्थान ले लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, सी यहां पर जिंदगी में अकेला है, यही सेम टू सेम हो, जैसे बताओ हमारे अंदर फीलिंग होती है इसी तरह से तत्व के अंदर भी फीलिंग होती है। तो ये मोर अभिक्रिया है, मतलब ये क्या होता है ज्यादा अभिक्रियाशील और ये कम अभिक्रियाशील, तो ज्यादा अभिक्रियाशील वाले कम अभिक्रियाशील वाले को क्या कर देगा, हटा देगा, उसका जगह ले लेगा, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने क्या कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर यहां बता दिया और बैलेंस भी कर दिया, ठीक। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये समझेंगे तो ये आप चुटकियों में कर देंगे, हमारे लिखते हैं आयरन मतलब क्या होता है हमारे पास Fe हो गया, अब प्लस का चिन्ह तो प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर मतलब C हो जाएगा, सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा SO4 हो जाएगा, सही है कि नहीं, तो हमने ये लिख दिया। अब ये रिएक्शन जब कराया जाएगा तो क्या निकलेगा, सबसे पहले बताओ क्या लिखा कॉपर, तो Cu क्या हो जाएगा कॉपर, यही हमें क्या कर देना ज्ञात करना है, ठीक है, यही करना है ना। तो देखिए यहां पर ये क्या, ये वाला जो पोर्शन है अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देगा, इसकी जिंदगी से हटा देगा, ठीक, इसकी जिंदगी से हटा देगा, तो ये बताओ इसका जगह ले लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा FeSO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा FeSO4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास FeSO4 हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास कॉपर हो जाएगा। अब इसे तुम्हें बैलेंस करना, देखिए Fe यहां पर एक है, Fe यहां पर एक है, SO4 SO4, कॉपर कॉपर मतलब ऑलरेडी ये आपका बैलेंस है, बैलेंस से ज्यादा डरिए ना, ठीक है, बैलेंस से ज्यादा डरिए ना, आप वहां से लिख देंगे ना तो एट लिस्ट देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियां है जो एज इट इज आपके बैलेंस हो जाएंगे, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो प्लीज आपसे अनुरोध है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देखिए विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन यहां भी पूछ दिया, यहां भी पूछ दिया, ठीक, अभी आगे एक क्वेश्चन आ रहेगा वो भी तुम्हारे पास विस्थापन अभिक्रिया पर ही निर्भर रहेगा, प्लीज आप वहां से एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक। और लास्ट में तुम्हारे पास लिखा कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता, यानी गर्म किया जाता तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता प्लस में डैश डैश बनता, हमें पता नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है
CO3 होता है, किसी से कैल्शियम कार्बोनेट से CO3 हो जाएगा, तो ये काम बन गया। इसे जब हीट किया जाता है, हीट किया जाता है जानते हो क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO निकलता, कैल्शियम ऑक्साइड निकलता। अब प्लस में डैश 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 हमें नहीं पता क्या निकलता है, यही तुम्हें बताना है। देखिए ये कैल्शियम यहां होगा तो कैल्शियम यहां, अब CO3 को यदि तुम तोड़ोगे तो ऑक्सीजन यहां निकलेगा, प्लस में क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलेगा, यही निकलेगा ना। तो ये बताओ ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जब बाइंड करके कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया तो हमारे पास क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहां पर क्या फिलअप करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बैलेंसिंग की बारी आती है, मतलब संतुलित करना। तो सबसे पहले देखिए कैल्शियम दे रखा है तो कैल्शियम एक काम खत्म, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक यहां पर होगा, CO2 मतलब ये ऑलरेडी आपका बैलेंस है, मतलब संतुलित है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा पांचवा नंबर, छठवां नंबर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, वो भी विस्थापन अभिक्रिया पर ही निर्भर करता है। छठवां नंबर हमसे कह रखा है जिंक को यदि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है, प्लस में डैश 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 बनता, हमें भी नहीं पता भैया, ठीक है। तो इसके बारे में आते हैं, जिंक मतलब क्या दे रखा, जेडियन दे रखा, क्या दे रखा, जेडियन। अब सिल्वर मतलब क्या दे रखा, एजी दे रखा, नाइट्रेट मतलब क्या दे रखा, एनओ थ्री दे रखा। तो हमने क्या कर दिया, ये आराम से लिख दिया, देखिए ये आपका जिंक हो गया, ये सिल्वर नाइट्रेट होगा, जब इसे अभिक्रिया कराया जाता तो क्या बनता, जिंक नाइट्रेट बनता, जिंक बन गया और क्या बन देगा, एनओ थ्री बन गया, क्या बन गया, एनओ थ्री। अब यहां पर दो चीज लगाना पड़ेगा, होल्ट वाइज होता, ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। और यहां से प्लस में डैश 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 हमें ये भी नहीं पता है, तो देखिए ये भी कि कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये जिंक था, इससे जिंक क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी जो सिल्वर है बहुत कम अभिक्रियाशील है, ठीक, इसीलिए सोना चांदी हम पहनते हैं क्योंकि अभिक्रियाशीलता जल्दी होती नहीं। तो ये क्या करेगा, इसे धक्का मार के क्या कर देगा, बाहर लगा देगा, तो इसकी ये जगह ले लेगा, इसकी जगह लेगा, तो यहां पर क्या लिख दिए हम, जिंक लिख दिए। अब एनओ थ्री इसी के साथ कंबाइन होकर यहां पर लिखा गया जेडियन, ठीक है, जेडियन एनओ थ्री का होल ट्वाइज। अब बताओ सिल्वर बचा है कि नहीं, तो यहां पर तुम्हें क्या लिख देना, बगल में सिल्वर लिख देना, क्या लिख देना, एजी लिख देना, ठीक। अब आती है, हमने क्या कर दिया, ये डैश पहले फिलअप किया, अब हमने भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, संतुलित करना स्टार्ट करेंगे। तो संतुलित मतलब क्या होगा, देखो जेडियन यहां पर एक है, यहां पर है, इसकी टेंशन खत्म, ठीक है। अब आते हैं किस पे, जेडियन यदि खत्म हो गया, एजी, एजी यहां पर एक है, यहां पर एक भी, ये भी टेंशन इसकी खत्म। एनओ थ्री जो है उसके पास देखो होल्ट वाइज, मतलब ये एनओ थ्री जो है इसमें दो से गुणा करा दिया, मतलब ये कितना हो गया, टोटल दो हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, यदि यहां दो से गुणा करा दें तो एनओ थ्री भी क्या हो जाएगा, दो से गुणा हो जाएगा, ठीक। अब Ag बताओ यहां पर कितना हो गया, दो, और यहां पर एक, तो मतलब दो से तुम यहां पर भी गुणा करा दो, तो ये काम खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। यही थी आपकी क्या हो गया डिटेल में 2023 का एक प्यारा सा एक टॉपिक था, ठीक, प्लीज इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप हमसे बने रहेंगे तो आप 95+ लाएंगे, इतना वादा है भाई, ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट भाई हो।